आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुक्रवार को दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम पहले की तरह इस बार भी विकास की गति पर काम करेंगे। हमने पहले भी कैबिनेट में राशन योजना का समय बढ़ा दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब सब कुछ हो चुका है, सरकार अपने पूरे रूप में काम करने लगी है, क्या रणनीतियां हैं, कैसे आगे की जो 5 साल है उस व्यवस्था को दुरुस्त? नहीं, बहुत अच्छा से किया जाएगा। बीता हुआ 5 साल अपने आप में वो जनता के सामने है। आने वाला 5 वर्ष उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने वाला होगा और हमारी सरकार का यही प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 का प्रदेश बनाए। विपक्षियों का सबसे बड़ा सवाल राशन को लेकर के था कि आप लोग चुनाव के बाद उसे खत्म कर देंगे, लेकिन पहली कैबिनेट में आप लोगों ने उसको और बढ़ा दिया है, तो क्या ये जवाब माना जाए? कोई जवाब नहीं, उनके सवाल के आधार पर हमारी कोई योजना नहीं होती। हमारा कर्तव्य है जनता के प्रति। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम 2 साल तक किया है, तो यह विपक्ष के सवाल के जवाब में नहीं है, बल्कि हमारी जब तक जिम्मेदारी समझ में आती है तब तक हम लोग करेंगे। धन्यवाद तुमसे बात करने के लिए। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले की तरह इस बार भी और बेहतर तरीके से हम काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं रितिन, प्राइम टीवी। योगी सरकार 2.0 में कैबिनेट मंत्री बने सूर्य प्रताप शाही अब उत्तर प्रदेश में बनी भाजपा की सभी सरकारों में मंत्री रहे हैं। कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में बनी भाजपा की पहली ही सरकार में गृह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से शुरू हुआ। उनका सफर इस सरकार तक जारी है। प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 15 करोड़ निवासियों को मुफ्त राशन योजना का लाभ 3 महीना और बढ़ाने पर सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं, कल इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। अब इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे के क्या रोड मैप है, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार जनता के लिए काम करेगी। सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे की क्या तैयारी है, कैसे काम होगा? सबसे पहले तो मैं आज जो है वो कैबिनेट के आज आज पहला फैसला हुआ, पहली कैबिनेट बैठी और उसमें उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के कल्याण की दृष्टि से आज 3 महीने तक के लिए मुफ्त राशन बढ़ाए जाने की घोषणा हुई है, जिसके भीतर पात्र गृहस्थी वालों को 35 किलो मुफ्त राशन रहेंगे और 1 किलो आयोडीन युक्त नमक रहेगा, 1 किलो चना रहेगी, साथ में जो है वो रिफाइंड ऑयल रहेगा और इसी तरीके से पात्र गृहस्थी के लोगों को 5 किलो राशन मिलेगा। और ये घोषणा चुनाव से बहुत पहले नवम्बर महीने में दीपावली से लेकर के होली तक के लिए मुख्यमंत्री ने किया था, तो आज भारतीय जनता पार्टी कितना गरीबों के प्रति समर्पित है उसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है और आज हमारी कैबिनेट ने ये फैसला लिया। इसी से या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी हम लोगों का एजेंडा गरीबों के कल्याण के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के विकास के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की जनता के सुरक्षा के दृष्टि से और सुशासन की दृष्टि से आगे की ओर चलता रहेगा। मतलब ये एक जवाब है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सूर्य प्रताप शाही जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग पहले भी बेहतर विकास के लिए काम कर रहे थे और आज जिस तरह से राशन स्कीम को सरकार ने बढ़ाया है वो अपने में एक कारगर स्कीम है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। मथुरा के छाता से विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण छठी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। शुक्रवार को उन्होंने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इस दौरान मंत्री लक्ष्मी नारायण से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, 6 बार कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, कल इन्होंने दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। सर, बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। अब सवाल ये है कि कैसे आगे की रणनीति तय होगी, कैसे काम करें? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र चुनाव में हमारे हाईकमान ने दिया है उसके एक एक बिंदु का पालन प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार करेगी। मथुरा की बात की जाए सर, वहाँ पर आपने
जीत दर्ज की है। पिछली बार कुछ मंत्री वहां से और थे, लेकिन इस बार सिर्फ आपको दारोमदार वहां से दिया गया है। कितना अहम आप मानते हैं मथुरा को, ब्रज क्षेत्र को और उत्तर प्रदेश में जिस विभाग की आप जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अगर वो विभाग फिर से आपको दिया जा रहा, क्योंकि सुगबुगाहट यही है, तो कैसे जो रुके हुए काम है उन कामों को पूरा किया जाए? देखिए, ऐसा है, हमारी जो पार्टी है वो हमारा कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता है। हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को बखूबी हमारा हर कार्यकर्ता निभाता है। मुझे एक नहीं, 8-8, 9-9 विभाग मेरे पास पहले रहे हैं, जो इस विभाग की जब जिम्मेदारी दी गई उसको हमने हमेशा निभाया है। अब के जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा और जन तक उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिरी सवाल सर, इस बार थोड़ा विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, कुछ समस्याएं काम करने में होंगी या फिर आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि कोई कुछ नहीं हमारे सामने? विपक्ष को तो पूरा सबक जनता ने सिखा दिया है, इसलिए हमें क्या समस्या होगी। समस्या तो जनता को हो रही थी, इसीलिए जनता ने उनको सबक सिखाया है। बात करने के लिए तो ये थे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी हमने विकास के पथ पर ही काम किया था और इस बार भी आने वाले 5 सालों में हम विकास के पथ पर ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में इस बार 5 महिलाओं को शामिल किया गया है, उसमें से एक नाम गुलाब देवी का भी है। गुलाब देवी पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री रही हैं और इस बार भी उन्हें सरकार ने यह जिम्मेदारी दी है। इस दौरान प्राइम टीवी से गुलाब देवी ने खास बातचीत की है। गुलाब देवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश सरकार में एक बार फिर से इन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है और इस वक्त वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मैम, एक बार फिर से मंत्रिमंडल में आपको जगह मिली है, प्रदेश के विकास के लिए आपको आगे बढ़ाया गया है, क्या रणनीति है, कैसे काम? हमारे लिए जो जगह दी है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए धन्यवाद देती हूँ और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, पार्टी की नीतियों का परिणाम है। आगे जो हमारे कार्यकर्ता चलेंगे वो विकास को लेकर चलेंगे और विकास के आधार पर ही हमारी सरकार प्रचंड बहुमत में आई है। पिछली सरकार आप ही लोग की थी, आप लोग काम उसमें कर रहे थे, बेहतर काम आपका विभाग भी कर रहा था। आपके विभाग से जुड़ी हुई चीज़ें अगर बताई जाएं तो पिछली बार जो काम रुक गए थे क्योंकि अभी विभाग नहीं बटे हैं, अगर वही विभाग मिलता है तो किस तरह से उस पर बेहतर फोकस किया जाए? विभाग कोई भी मिले, जो काम हमारे रुके हुए हैं प्रत्येक विभाग में रुके हुए कार्यों को हम अंजाम देंगे। जनता के विकास के लिए काम किया जाएगा? जनता के विकास के लिए काम हुआ है और जनता के विकास के लिए काम होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये गुलाब देवी जी थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी हम लोग जनता के विकास के लिए ही काम कर रहे थे और इस बार भी जनता के विकास के लिए ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। जौनपुर के सदर विधायक गिरीश चंद्र यादव को बीजेपी 2.0 में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले 2017 की भाजपा सरकार में गिरीश चंद्र यादव राज्य मंत्री थे। गिरीश चंद्र यादव ने बात करते हुए कहा कि हम पिछले कार्यकाल में भी बेहतर काम किए हैं, इस बार भी बेहतर काम करेंगे। गिरीश चंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, सरकार ने एक बार फिर से इन्हें जिम्मेदारी दी है और उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब आगे के 5 साल जनता के लिए काम किया जाएगा। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं मंत्री जी आपको, अब आगे की क्या रणनीति? जो हमारे उत्तर प्रदेश के विकास के काम अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे और नई योजनाओं को बनाकर उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे और इस 5 सालों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की आपको तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। इस संकल्प भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इस बार थोड़ी लड़ाई टफ है क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है, कुछ ऐसा लग रहा है? कोई लड़ाई टफ नहीं है, कोई विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष तो मुंगेरी लाल का सपना देख रहा था, बिना लोकतंत्र के इस चुनाव में जब चुनाव हो जाता है, मत पड़ जाते हैं और मतगणना हो जाती है और तब विजय यात्रा निकाली जाती है, तो हसीन मुंगेरी लाल का सपना जो देख रहे थे वो उनका चकनाचूर हो गया, क्योंकि पहली बार मैंने देखा था कि बिना चुनाव हुए, बिना मतगणना हुए विजय यात्रा प्रारंभ कर दी, तो उसी का इसका परिणाम है। वो चाचा भतीजे का नूरा कुश्ती का खेल है, वो सब एक हैं और उनको जब उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में थे तब एक हैं, जब अलग हो गए तो मतलब सत्ता से जब वो हो गए तो अलग अलग बात करते हैं और जब सत्ता को प्राप्त करना होता तो एक हो जाते हैं, ये उनका नूरा कुश्ती का खेल है।
इनसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि पहले भी हमने विकास के पथ पर ही काम किया था और इस बार भी विकास के पथ पर ही काम करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश को 5 साल में बदलने का काम हम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। 2024 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के नेताओं को प्रमुख जगह दी है। उन्हीं में से एक नाम दिनेश खटीक का भी है। बता दें कि दिनेश खटीक पिछले कार्यकाल में भी प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश खटीक ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। दिनेश खटीक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कल इन्होंने भी शपथ ली है और एक नई जिम्मेदारी इनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब रखी गई है। सर, अब कैसे आगे की रणनीति तय होगी, क्या रोड मैप तैयार किया हुआ है और पिछले 5 सालों में जिन कामों पर आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, आने वाले 5 सालों में उन कामों को और कैसे प्रगति देंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा फैसला कल सरकार बनने के बाद आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है कि हमारे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन और तेल, चीनी, नमक ये फ्री में दिया जाएगा 3 महीने तक। ये सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अच्छा, बात करी जाए उत्तर प्रदेश की इस बार के नतीजों की, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बदलाव आए हैं। आप लोगों की भी जो सीटें थी वो कम हुई और विपक्ष इस बार थोड़ा मजबूत हुआ है। कहीं लगता है कि इस बार काम करने में विपक्ष अड़ंगा डालेगा, समस्याएं हो सकती हैं, या फिर आप लोग अपने पथ पर उसी तरह से चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे 5 साल और विकास के लिए काम करें? कोई समस्या नहीं है। 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में ये जनता ने साफ कर दिया है, केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत लहर है और ये आगे भी निरंतर चलती रहेगी। हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है इनका कि 5 साल भी हमने बेहतर ही काम किया था और इस आने वाले 5 साल में भी हम उत्तर प्रदेश सरकार के नीतियों के तहत जनता के विकास का ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं बरेली में इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव राणा ने संजय नगर स्थित कार्यकाल आशीष एंटरप्राइजेस पर 1.25 क्विंटल लड्डू को बंटवाया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ का पिछला कार्यकाल पूरी तरह से जनता को समर्पित था। योगी राज में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और अपराधी थर थर कांपते हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर निश्चित रूप से प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। दो वर्षों में, दो बार में हम लोगों ने जितनी सेवा की है बरेली की, वो पूरी जनता जानती है। बरेली की जनता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का अवसर प्रदान किया कि हम उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आ जाएं। और मैं समझता हूँ इस बार हम और सेवा करेंगे। हमारे दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट तो हमारा IT पार्क का है जो CB गंज में ITR कॉलोनी में बनना है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और पास भी हो गया है और उसका कार्य यथाशीघ्र शुरू कराने का कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो दिल्ली में है, उसकी एक ब्रांच बरेली में बने। ये दो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, बाकी छोटे मोटे काम। आज योगी जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में मिठाई का वितरण किया हुआ है। एक खुशी का माहौल है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है पब्लिक के बीच में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुशी मुख्यमंत्री बनने में, 1.25 क्विंटल, 1 क्विंटल 25 किलो मिठाई। क्या कहेंगे इस मौके पे, किस तरह का जश्न है बरेली में? खुशी की लहर है, पूरे शहर में जश्न मनने। पनकी पुलिस का खेल उजागर हुआ, जहां महिला सुरक्षा के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। योगी सरकार 2.0 के महिला सशक्तिकरण अभियान को SHO अंजन सिंह पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि गरीब युवती के साथ बीते 29 दिसंबर 2021 लूट की घटना वारदात हुई थी। लूट की पूरी घटना CCTV में कैद हुई थी। बाइक सवार लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया था, जहां काफी दूर तक बाइक के साथ घसीटती हुई गई थी युवती। के मुताबिक लूट की इस वारदात की रिपोर्ट नहीं लिखी गई और महिला अभी न्याय का इंतजार कर रही है।
खबर कानपुर से, जहां 60 साल की महिला के मकान में अवैध रूप से काबिज लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर महिला को जान से मारने की कोशिश की। वहीं मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें इस मामले में पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो उन्होंने मेरा गला कस दिया और मुझे मारा, उनको मुझे मारते रहे, मुझे मेरी चैन अंगूठी और कड़ा को आयुष उनका भांजा मोहन नमन अमन बेला। इन लोगों ने क्यों मारा है आपको, क्या है पूरी वजह क्या है? हमारा जितना कलम की उसी में अवैध कब्जे तो ये लोग रहते हैं। हमने एप्लीकेशन ये सब की और इनका लड़का देवेश गर्ग, कई लोग 307 के मुलजिम भी हैं ये लोग। उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किसी बड़े अधिकारी से मिली? मिले सबसे, मिले सबको दिया है। जिला कारागार गाजियाबाद में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 10वीं-12वीं की परीक्षा में कैदियों ने भी भाग लिया, जिसमें जिला कारागार गाजियाबाद के निरुद्ध बंदियों के साथ साथ जिला कारागार मेरठ और जिला कारागार सहारनपुर से आए परीक्षार्थी बंदियों द्वारा भी परीक्षा दी जाएगी। परीक्षाओं में प्रथम पेपर हिंदी का समापन हुआ है, जिसमें 10वीं के 31 परीक्षार्थी बंदी सहित कारागार से रिहा हो चुके हैं। एक पुरुष और एक महिला परीक्षार्थी द्वारा भाग लिया गया है। साथ ही द्वितीय पाली में 12वीं की हिंदी की परीक्षा में 28 परीक्षार्थी बंदियों के साथ साथ कारागार से रिहा हो चुके हैं। 6 पुलिस परीक्षार्थी द्वारा भाग लिया गया है। उक्त परीक्षाएं नकल विहीन तथा शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने का जेल प्रशासन उद्देश्य है। जो कारागारें हैं उसमें सहारनपुर और मेरठ मंडल की जो कारागारें हैं उसका सेंटर जो है वो गाजियाबाद की डासना जेल में है, और इन दोनों मंडलों में यदि कोई भी बंदी फॉर्म भरता है तो वो परीक्षा का केंद्र यहीं पड़ता है। तो वर्तमान में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में लगभग 34-34 बंदी दोनों हाई स्कूल और इंटर में परीक्षा दे रहे हैं, और ये जो अन्य जेलों से 6 बंदी हमारे यहाँ दाखिल हुए हैं जो एग्ज़ाम देने के उद्देश्य से यहाँ भेजे गए हैं, मतलब जेल में रहते हुए अगर वो उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो उसका सेंटर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं संबंधित जेलों द्वारा। और क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है और यहाँ एक शिक्षक BSA कार्यालय की तरफ से नियुक्त है, उसके सहयोग से या फिर अपने स्वयं के अध्ययन से ये लोग तैयारी करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां दबंगों ने युवक पर किया चाकू से हमला। हमले के दौरान कई लोग घायल हो गए। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस मामले को टालती नजर आई, जिसके बाद घायल ने पुलिस पर दबंगों के साथ मिली भगत के आरोप लगाए हैं। गाड़ी से निकले, हमने कहा भैया, इनके बाबा बोले कि भैया गाड़ी इस तरीके चलाते हो पूरा चौतरा तोड़ दियो। अगर मैं गाली बक के उतरा गाड़ी से, गिरे बांध पकड़ के नहीं मारने लगा, छुड़ाया भाई ईटा गुम्मा दौड़ा मारने के लिए, खूब बड़े बड़े गुम्मा, इतने बड़े बड़े गुम्मा फेंके सबके ऊपर। फिर हम लोग ने चौकी गए, वहाँ गालियाँ बक के वहाँ से नहीं, पुलिस वाले कहीं जाओ खाला बाजार वहाँ से नहीं। उसके बाद मैया फिर हमको था वहाँ भेज दिन अस्पताल कोई वही, और इसके इसको ये दुकान से आया बस इसको पकड़ के इसके बाप और दोनों लड़के मिलके छुरा बहुत दिन मेरे राशिद मेरे लौंडे के नाम है। ने जिसने छुरी मारी है आपके लड़के उसका क्या नाम है? नवाब तवाब। उनके पिता का क्या नाम है? कासिम। तो क्या कार्रवाई हुई? कासिम सुनवाई कोई नहीं हुई है। खबर श्रावस्ती से, जहां एक नाबालिग किशोरी को भागने का आरोप पिता ने गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया और पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, पर पुलिस प्रशासन ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने पोती गाय भेगा 10-12 रोज भाग, दिक्कत वहां दिक्कत है कि ओके पता ही नहीं लागत है कहां है, कहां भी था कर चले जाई। थाने पुलिस में कोई पुलिसन के काम है कि हमार काम है? थाने पब्लिकेशन दिखो रहा? हाँ सब कुछ होएगा, मुकदमा दर्ज भा सब कुछ होएगा। फिर का दिक्कत है? फिर कोनो सुनवाई नहीं होता तब का कौन दिक्कत है? हाँ दिक्कत की कोनो सुनवाई हमार नहीं होता है। हमार लड़की साहब
रात में 16 तारीख यहाँ रही घर में और रात में 16 तारीख यहाँ उठाई ले गई है। तब सवेरे ले गए रात में पठाई आई पता नहीं कहा सवेरे आई तब कहा था कि देखो अरे घर में से हम निकाल लाइन बिटिया कुछ नहीं कह पाए आप बोले हैं सारे तो उनसे खून के होली खेलबे बोगदा चली। तब थाने में आ गए वहाँ रिपोर्ट लिखाए न वहाँ कुछ नहीं की सुनवाई वैसे ही लिख के झूठ साथ दे दी नवा सकी। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां आवास विकास कॉलोनी के घरों में जहरीला कीचड़ युक्त पानी आ रहा है जिसे पीकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। शिकायत कई बार नगर पालिका में ईओ से की गई जिसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ और 1000 घरों की आबादी वाला आवास विकास बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। खबर गाजीपुर से बिजली विभाग के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखे तमाम ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए और लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। खबर अलीगढ़ से है जहां प्रेमिका ने अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी थी। वहीं जब इसकी खबर पति को लगी तो उसने पुलिस के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और प्रेमी को पुलिस ने जेल भेजने की धमकी दी और 50,000 रुपए की मांग की। वहीं षड्यंत्र से परेशान प्रेमी की मां ने एसएसपी से मामले में संज्ञान लेने की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। एक लड़की जो मतलब हमारे लड़का के साथ हम करे तो वो चली गई हमारे लड़का के साथ। हमने बहुत तो उसके हाथ जोड़े मेरी बेटा अपने घर जा हमारे बेटा के पीछे मत कर तो वो बोली मैं मर जाऊंगी मैं इसी के साथ रहूंगी। तो फिर घुमा के वो फिर हमारे लड़का के साथ नोएडा पहुँची। नोएडा पहुँची हमने फ्री वहाँ हाथ जोड़े हमने बेटा फिर हाथ जोड़ते तो फिर बेटा मैंने रहा मुझे गाड़ी करके पहुँचा देंगे कोई मैटर है मेरे लड़का अपने घर के नहीं मैं रोड पर मर जाऊँगी और मैं नहीं जाऊँगी बहुत किया उस पर एक लड़की है सच तो वो उस नहीं मानी चली गई। फिर इन्हें घर बार ना लोकेशन पे वो डार के नंबर वो हमारे कपड़ा पे नोएडा पहुँचे। फिर नोएडा फिर हमने कहा तुम्हें हमें बंद कराया उसने हमारे पति को बंद कराया वहाँ थाने में। खबर कन्नौज से है जहां गंगा नहर में अज्ञात शव देखे जाने से लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना इंदिरागढ़ पुलिस को दी गई वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और बड़ी मशक्कत कर शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। खबर महाराजगंज से जहां एक युवक गुजरात में रोज रोटी कमाने गया था। बताया जा रहा है कि युवक देवभूमि जनपद के द्वारिका नामक स्थान पर एक व्यक्ति के नियोजन में बंदरगाह पर मछली पकड़ने की मजदूरी करता था। वहीं आपको बताते चले कि युवक मछली पकड़ते समय रास्ता भटक पाकिस्तान जा पहुंचा। वहीं उधर युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सेठ के काम करता है वो मछली मारे थे जहाजे से और बॉर्डर मालूम ना रहा हमारे लड़का बाऊ पाकिस्तान और चल गए बाऊ। कैसे आप लोगों को पता चला इसकी? अब वहाँ से पता चला बेटा वहाँ से सेठ फोन कैले तब हमके पता चला तब आप लोग के सहयोग हम भीख मांगे लगली बाबू हमारे उहे भर बटलो रहने बाऊ हमारे और के हुनाई रहा हो बाऊ उहे भर रहने हो बाऊ। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।